हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं नीतू। देखिए, आज मैं बहुत ही टेस्टी सुपर टेस्टी मछली बनाने वाली हूँ। तो ये रेहू मछली है। तो ये वज़न में करीब करीब 1.25 किलो है फ्रेंड। तो इसको अच्छे से धो लिया है, धो के और इसको देखिए अच्छे से एकदम आटे से धोया है 2-3 पानी से, ताकि ये स्मेल ना करे। ये सब ये मछली जो होता है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज ये जो मछली बनाऊँगी मैं एकदम सरसों मसाले में बनाऊँगी, तो जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए मैं मसाले रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए देखिए मैं काला वाला सरसों और पीला वाला सरसों दोनों ले रही हूँ 1-1 चम्मच, और लहसुन ले रही हूँ, अदरक ले रही हूँ, और 1 चम्मच काली मिर्च और जीरा ले रही हूँ। सारे मसाले को हम पहले रेडी कर लेते हैं पीस के। तो देखिए फ्रेंड, ये मसाले को मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं मछली में क्या करूँगी ना कि 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ, और साथ में 1 चम्मच हम जो मसाला पीस के रखा है वो मसाला हम डाल दे रहे हैं, और 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा नमक डाल के और इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और मिला के हम इसको 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं फ्रेंड, ताकि जो है ये मछली जो है ना मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए 15 मिनट के करीब हो गया है। तो इधर हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, तो सरसों का तेल डाल दिए हैं 5-6 चम्मच के करीब, और इसमें हम मछली डाल देते हैं, और मछली को हम एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। जब ये मसाला जो पीसा हुआ है ना, सरसों और लहसुन और अदरक, ये जब मसाला आप डाल के मछली को फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए एक साइड से मेरा हो चुका है, तो दोनों साइड से हम एक साइड से हम पूरा पलट देते हैं इसको, एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, एक साइड से मेरा हो गया है मछली। तो अब हम इसको दूसरे साइड से भी इसी तरह से पलट के हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं कितना अच्छा फ्राई करके हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब जो बचा हुआ मछली है उसको भी हम फ्राई कर ले रहे हैं। इसी तरह से हम इसको भी उलट पुलट के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और लास्ट में जो सिर बचा है वो भी कम तेल रहता है, तो उसमें भी हम अच्छे से सारे मछली को हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो फ्राई देखिए एकदम हल्का, मतलब एकदम ब्राउन कलर का हमने मछली को फ्राई किया है। तो कढ़ाई में हम थोड़ा तेल और डाल दिए हैं, और इसमें हम पचफोरन डाल दे रहे हैं, तो जिसमें हम मेथी डाले हैं, थोड़ा थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सूखी मिर्च और 2 तेज़पात। इस तरह से आप फ़ौरन डाल के बनाएंगे ना, तो मेथी ज़रूर डालिएगा, मेथी डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो मसाला मैंने पीस के रेडी किया है वो मसाला हम डाल दे रहे हैं। तो मसाले को भी डाल के हम एकदम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, मसाला को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं मसाले को। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है मसाला को चलाते हुए। तो अब हम इसमें मसाले में कुछ लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, और नमक डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार, और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से एकदम भून लेते हैं जब तक कि मसाले से एकदम खुशबू ना आने लगे और तेल ना छोड़ दे। ये देखिए फ्रेंड, मसाले जो है मेरे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 बारीक काट के टमाटर डाल दे रहे हैं, और टमाटर को भी अच्छे से एकदम चला के इसको भून लेंगे मसाले के साथ। तो ये देखिए मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं, तो हम 1 गिलास के करीब पानी डाल रहे हैं, और पानी को डाल के अच्छे से खौला लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है, और कितना अच्छा ग्रेवी देखिए मेरा बन के रेडी हो गया है। तो अब हम सारे मछली इसमें डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड,
एक एक करके मैंने सारा मछली डाल दिया है ग्रेवी में। देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया है। तो अब एक एक करके हमने सारा मछली डाल दिया है और इसको भी डाल के हम 5 मिनट इस तरह से ग्रेवी में पका लेते हैं ताकि इसका जो ग्रेवी का रस है पूरा अंदर तक चले जाए। ये मछली चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ खाए फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी लगता है, सुपर टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए मेरा ग्रेवी के साथ उबाल हो आ चुका है तो हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को ये मछली की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा, देखिए ग्रेवी और मछली मेरा बन के रेडी हो गया है। ग्रेवी भी देखिए एकदम मस्त हुआ है, सरसों मसाले वाली। तो आई होप आप लोगों को ये मछली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यदि मछली की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ कि अगले नए रेसिपी के साथ। आप लोगों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। देखिए कितना अच्छा मछली मेरा रेडी हो चुका है।